पठानकोट में वार्ड नंबर 38 के लोग पिछले 3 सालों से टूटी गली व बिना निकासी के नाले से परेशान हैं। दरअसल 2016 में इस गली को टाइलें लगवाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी गली नहीं बन सकी। और तो और बिना निकासी का नाला लोगों को बीमारियां बांट रहा है। स्थानीय निवासियों ने गली जल्द ठीक करवाने की मांग की है। बनाने वास्ते पर अज तक कोई उपराला नहीं है, ना किसी ने सोचा इन बनाने वास्ते। गंद बहुत पे नाला बिल्कुल ब्लॉक है, अगे पिछों भी ब्लॉक है, तो पानी के रहा सारा बीमारियाँ। 3-4 इतने कैंसर के पेशेंट हो चुके हैं, हूँ तक जहाँ की डैथ भी हो गई है। कई हड्डियां टूटियां डिग के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत रिक्वेस्ट की है, बहुत तरले मिलता बीमारियाँ, पर कोई उपराला नहीं होंगे। तो इस प्रति कुछ नहीं सोचते, तो ना करते हैं। साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन यही रिक्वेस्ट है कि इन्हें जल्दी से जल्दी बनाया जाए। कि नंबर वार्ड पैंता? हाँ जी, वार्ड नंबर 38। वार्ड नंबर 38 है। तो पहले गली है कंप्लीट सी बनी हुई ही? पहला गली बिल्कुल सही और साफ सुथरी सी, इन सही बनी गली तोड़ के तो दोबारा बनाने का उपराला किया गया, पर अज तक नहीं बनी। 2016 तो लगे हूँ तक आलमोस्ट 3 साल पूरे होने आए हैं, पर कोई भी तरजीह नहीं दी। इस बारे शिकायत भी की गई? शिकायत अभी कमिश्नर भी की है, एडिशनल कमिश्नर भी की है, SDM साहब ने भी की थी। जो कमिश्नर है इस वे कारपोरेशन का, वो तो एटलीस्ट अभी 3 या 4 टाइम जाकर रिक्वेस्ट की है कि डैम केयर फॉर ऑल दीज रिक्वेस्ट। मेरा नाम रेनू आनंद। हाँ जी, की समस्या थानू इस चीज़ नाल? कि एक तो देखो गली 3 साल हो गए, नाले नाला स्मैल इतनी है, मच्छर बीमारी का घर हैगा। तो एक दिन अमित भी जा रहे थे इधरों, तो असं उन्होंने किया सी, वो मेरे बेटे नाल भी मिले सी, तो कहते कि बन जाएगा। तो करद 6-7 महीने हो गए, कोई गलबात उन्होंने सुनी नहीं है। वार्ड नंबर 38 ये भगत दे मंदिर के सामने वाली गली है। इस गली नू 2016 के अगस्त सितंबर के तोड़िया गया, इस गई तोड़िया गया सी भी चलो इसनों मतलब कि जिस तरह शहर के टाइलों वाली गली बनी है उस तरह की यह गली बनानी सी। प्रोजेक्ट बहुत सोहना सीगा, महल्ले वाले भी खुश सीगे, असी भी खुश सीगे, पर असी उस दौरान ये देखा भी पहले प्रशासन ने कहता भी चलो असी नाला बना दें, गली तोड़न तो बाद उन्होंने ये लिया भी असी नाला बना दें। थानू नाला बनाया गया, नाला बनाने के बाद उन्होंने किया कि भी अगे भी इन्होंने बंद करती कंध लगा के, कोई यदा निकासी नहीं हैगी, पिछों जितों पानी आना उतों भी बंद कर दिता। हुण लोगों के घर का पानी है जिहड़ा इत्थे ही जमा हो रहा और लोगों दीआं नीआं दे विच जा रहा है। असी प्रशासन को बहुत बार इस गल के बारे दस चुके हैं, प्रशासन ने कोई नहीं की। फिर उस तो बाद क्या सानू यह कहा गया भी चलो गली तां नहीं बन रही, भी असी इत्थे पानी की पाइप भी नवीं पवा दें, पुरानी पाइप टुटी हुई है भाई, वो 30-35 साल पुरानी हैगी है, वो टुटी हुई है। असी फिर चुप करके भी चलो जी ठीक है। फिर 2017 फरवरी दे विच ए पाइप पाई गई, पानी की पाइप पाई गई। पानी की पाइप बांध तो बाद अज तक प्रशासन ने यदि सुधबुद नहीं ली। कभी असी किसी अफसर नूं मिलते हैं, कभी किसी नूं मिलते हैं, कभी किसी मंत्री नूं मिलते हैं गली दे विच। तुहानू चलो मैं तो उदो है नहीं सी, कोई MLA साहब भी आए सी इत्थे 2 वारी गली दे विच, जदों पहले जिते ने उदों ही आए, उदों मैं उन्होंने नाल सी, गली दिखाई गई भी ये गली सर इस तरह बहुत प्रॉब्लम हैगी आ, ना तो इस गली दे विच स्ट्रीट लाइट है कोई, रात नूं बिल्कुल अंधेरा हुंदा और ये जंगल तो घट नहीं है, ये इस तरह लगता जिस तरह ये शहर तो कटिया हुआ एरिया है, ये जंगली एरिया लगता है। इस गली दे विच कई सप कई कीड़े ने जिथों की मतलब कि इदा नहीं, मेरी खुद मदर नूं कैंसर हो चुका है। इस गली दे विच कई लोग कैंसर दे 3 तो 4 पेशेंट कैंसर दे हो चुके हैं जी, इस वजह दे करके, और कई लोग इतों डिग के अपनियां लत्तां बाहां तोड़ा चुके हैं, पर प्रशासन पता नहीं क्यों नहीं अखां खोल रहा है। साड़ी हाथ जोड़ के पूरी गली की यही मंग है कि इस गली नूं जल्दी तो जल्दी बनाया जाए, टैक्स हर एक बंदा दे रहा फिर भी ये वाली गल हो रही है, ये हाथ जोड़ के असी मंग करते हैं भी ये फटाफट बनाई जाए गली। उधर मेयर अनिल वासुदेवा ने माना कि गली में टाइलें लगवाने का काम 2016 से लटका हुआ है। उन्होंने सरकार बदलने के कारण फंड वापसी को इस देरी का कारण बताया। उन्होंने कहा कि हाउस में इस गली के निर्माण का प्रस्ताव पास हो चुका है, जल्द काम शुरू करवा दिया जाएगा। उधर लागे गली है जी 2016 में तोड़ी गई थी। हाँ जी बाजी, 2016 की गली TIDB के पैसे चले जाने कारण रुकिया, इस हाउस के ਉਹਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ
ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀ